इन दिनों राजस्थान का फतेहपुर विवादों का अखाड़ा बन गया है, जहां विवाद ऐसा पनपा कि सवाल एकता भाईचारे जैसे शब्द पर आकर रुक गया और फतेहपुर जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण रहा है, जहां गंगा जमुनी तहजीब कायम है, तो फिर अचानक क्या हो गया? क्योंकि इस वक्त फतेहपुर के भाईचारे पर नफरत की चिंगारी दिखाई देने लगी है। विवाद का कारण समझिए। पहला विवाद फतेहपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अल्पसंख्यक हॉस्टल का है। हॉस्टल के लिए सरकार बजट पास कर चुकी थी, लेकिन जमीन पर विवाद पैदा हो गया और स्थानीय लोगों ने अल्पसंख्यक हॉस्टल बनने पर आपत्ति जताई और मौके पर विधायक प्रत्याशी रही सुनीता जाखड़ के प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान भागीरथ मल के साथ स्थानीय लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अल्पसंख्यकों की आबादी नहीं है, ऐसे में हॉस्टल ना बनाए जाए। यहाँ साहब पूरा चारों तरफ हिंदुओं का तो मोहल्ला है, पूरा 5 किलोमीटर के चारों तरफ एरिया है और यहाँ हिंदुओं का हॉस्टल बना रहे हैं, अल्पसंख्यक छात्रावास बना रहे हैं। छात्रावास तो कौन आए थे बनाने के लिए? बनाने एक आईएन साहब आए थे अभी, जगह देखने के लिए। अच्छा अच्छा, उसके विरोध में है। वक्फ बोर्ड की बहुत जमीन है, कहीं भी बनाओ, लेकिन ये हिंदुओं का मोहल्ला है, इसमें अगर बनाएंगे तो अपराध फैलेगा। अच्छा। हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, मतलब परेशान करने का काम है। अरे हॉस्टल तो हॉस्टल होता है, हॉस्टल देखा नहीं है जाट छात्रावास, कितने जाटों को बर्बाद करके छोड़ दिया। ये तो अड्डा हो गया, विकास कार्य के लिए इनके पास पैसा नहीं है, कोई लड़ाई दंगा ये निकालने के लिए इनके पास पैसा है, मिनटों में इनके पास बजट हटा जाता है। कोई काम होता है, कॉलेज होती है, उनके लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं है, कोई काम नहीं है इनके लिए, बस इनको परेशान करना है लोगों को, और कोई कार्य ही नहीं है इनके पास। जाओ यहाँ कोई मेजोरिटी एक सिंगल घर हो तो बताइए ना, आस पड़ोस में भी कोई सिंगल घर हो, उनको जरूरत है, और कोई चीज बना दो ना, हॉस्पिटल बनाओ, आप पार्क बनाओ, उस चीज के लिए कोई बजट ही नहीं है इनके पास। इनको सिर्फ परेशान करना है, राजनीतिक दुश्मनी निकालनी है, और कोई काम ही नहीं है इनको। सरासर गलत है ये चीज। एक सिंगल घर का आप सपोर्ट बता दो कि इसके लिए भला हो रहा है किसी का, मोदी हॉस्पिटल कोई यहाँ आस पड़ोस जितने भी है, इधर उधर चारों दिशाओं में देख लो आप, कहीं सिंगल इनको सपोर्ट नहीं है किसी चीज का, बेवजह ये आके और खुद आते नहीं है, औरों को आगे कर रहे हैं। सार्वजनिक और कामों के लिए तो पैसे ही नहीं है, मुस्लिम छात्रावास के लिए पैसे कहाँ गए? यहाँ 4 किलोमीटर कोई मुस्लिम घर भी नहीं है, फिर क्या चीज है? आबादी होती है यहाँ तो, फिर आबादी में उधर में सड़क की उस साइड में पूरी जगह है, उन लोगों को बनाओ ना, कौन मना करेगा? वक्फ बोर्ड की जमीन है, यहाँ से लेके बारी तक है, वहाँ आगे चल के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, यहाँ बस्ती में नहीं बनाने देंगे। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी उनको? यहाँ को हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कौन मना करता है? पार्क बना दो, पार्क बना दो, कुछ भी बना दो, मदरसा नहीं बनेगी, हट नहीं बनाते तो सरकार तो बनाशा में तो बना ना कुछ बना मदरसा नहीं बनेगी, मंदिर बनाओ, स्थानीय लोगों का मानना है कि चारों ओर के इलाके में अल्पसंख्यकों की आबादी ही नहीं, ऐसे में यहाँ हॉस्टल नहीं बनने देंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जातिवाद की नफरत क्यों और किसने पैदा की है? वही मामले पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने स्थानीय लोगों के साथ तहसीलदार मनीराम खीचड़ को SDM के नाम ज्ञापन सौंपा और छात्रावास निर्माण को रोकने की मांग की। बता दें ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरी आबादी हिंदुओं की है, जहां छात्रावास बनता है तो अराजक तत्वों का जमावड़ा होगा, सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ने का खतरा बना रहेगा, जिसको लेकर VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के साथ आने वाले दिनों में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रशासन किसी चीज को आगे नहीं देता है, निवेदन है आपसे, आप प्रशासन अगर किसी चीज को आगे मिलेगा तो आप मुझे 2-4 घंटे और बिठाए रखेगा, आपको 1 मिनट रुकने के लिए कहा क्या प्रशासन? इस बात को मैं तो ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं सर, हम आपसे गलत बात नहीं करें, अगर आप इसको
को धमकी समझे तो आपकी मर्जी है सर। हम तो नहीं रहे, हम तो निवेदन कर रहे हैं आपसे। वहाँ पे आप छात्रावास बना रहे हो, बनाने के लिए और भी आपके पास बहुत आयाम है। उस अगर सार्वजनिक रूप से बनाना है, आप हॉस्पिटल बनाओ, पार्क बना दो, कोई पार्क बना दो, ग्राउंड बना दो, कुछ भी। अब वहाँ पे आप एक अड्डा बना रहे हो बदमाशी का, और वो रोज होगी वहाँ पे, गुंडागर्दी होगी, सांप्रदायिक दंगे होंगे, वो नहीं हो। उसके लिए हम ये चेता रहे हैं प्रशासन को कि ये यहीं पे रुक जाए तो आगे कोई दिक्कत नहीं। वहाँ कॉलेज बनाए ना सबके लिए, गार्डन भी बन सकता है, कहाँ दिक्कत है, कॉलेज के लिए तैयार सब, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, पार्क बनाइए। हमारा कहना यही है, इस बात को प्रशासन हल्के में ना ले। अगर वहाँ पे बनाने की कोशिश की जाएगी तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है, जन आक्रोश है, इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता तैयब मेहराब खान ने छात्रावास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और इसे बीजेपी कांग्रेस की साजिश करार दिया। जय हिंद साथियों, मैं तैयब मेहराब खान, आम आदमी पार्टी। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि फतेहपुर के अंदर वक्फ भूमि को लेकर के एक विवाद चल रहा है, उसके अंदर अब जाति धर्म का रूप देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं फतेहपुर की आवाम से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जाति धर्म में नहीं आना है। आप लोगों को ये लोग कांग्रेस और बीजेपी के लोग जिन्होंने उस वक्फ की जमीन को पूरी तरह हड़प लिया है, खा चुके हैं, ये इन लोगों की एक बहुत बड़ी साजिश है। आप सोचिएगा कि भाजपा के लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं कि वहां हॉस्टल नहीं बनना चाहिए, ठीक है, और भोली भाली जनता को वो भड़का करके, बहका करके जाति और धर्म और मजहब के नाम पर वहां पर इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और कांग्रेस वहां पर शांत बैठी है। इसके पीछे कारण है, ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी साजिश है। भाजपा वाले जो नेताजी हैं वो वक्फ की पूरी जमीन को हड़प कर रोक करके बैठे हैं। जो जनता वहां पर आ रही है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, मगर नेताजी को 5-7-10 करोड़ का फायदा हो रहा है वहां पर। आप समझिए इस चीज को, आप इस बहकावे में मत आइए। फिर रही बात कांग्रेस वालों की, तो आप जो लिस्ट देखेंगे, जो मुकदमे वक्फ बोर्ड के और जिन लोगों के चल रहे हैं, उनके अंदर अधिकतर नाम आपके कांग्रेस के नेताओं के मिलेंगे, कांग्रेस की टीम के मिलेंगे, जो यहाँ के नेताजी के इर्द गिर्द जो घूमते हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं, उनके नाम आपको मिलेंगे, जिन लोगों ने जमीन रोक रखी है, जिन लोगों ने पिछले कई सालों से वक्फ की जमीन को खाने का काम किया है। आप लोग इनके बहकावे में ना आए। कांग्रेस वाले साइलेंट बैठे हैं, भाजपा वाले विवाद कर रहे हैं, जिससे कि वो हॉस्टल वहां पर ना बने, जिससे कि उनकी जमीन खाली ना करनी पड़े, और उससे फायदा कांग्रेसियों को भी है, दोनों का फायदा है, आप लोगों का नुकसान है। आप इस चीज को समझिए, ये कोई जाति धर्म का काम नहीं है, ये किसी पार्टी का काम नहीं है, ये लोगों के निजी स्वार्थ का काम हो रहा है। इसमें आप लोगों को वो एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को इस्तेमाल मत होने दीजिए, थोड़ा जहन को काम में लीजिए, जागरूक बनिए, सचेत रहिए और आंखों को खुला रखिए। पूरे मामले को लेकर जब हमने नगर पालिका के अधिशासी नूर मोहम्मद खान से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। वक्फ की जमीन पर कार्रवाई वक्फ बोर्ड के द्वारा ही की जाती है और अल्पसंख्यक छात्रावास के संबंध में नगर पालिका से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार या जानकारी प्राप्त नहीं है। नगर पालिका को एक पत्र जरूर प्राप्त हुआ है वक्फ बोर्ड का, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का कहा गया है कि उसको निर्माण स्वीकृति नगर पालिका जारी नहीं करे वक्फ की जमीन पर। तो वक्फ की जमीन पर तो नगर पालिका निर्माण स्वीकृति जारी करने का प्रश्न ही नहीं है। अगर इस तरह का कोई इश्यू होगा तो पटवारी से निशानदेही लेने के पश्चात ही कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई व्यक्ति विशेष कोई कब्जा करने की नियत से कार्रवाई करना चाहता है तो उसको निर्माण स्वीकृति या कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ये तो एक मामला था जहां अल्पसंख्यक हॉस्टल विवादों में घिर गया। वहीं दूसरी ओर सदर थाने के ठीक पास और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति से महज 30 मीटर दूरी पर पद्मश्री शीशराम ओला के समर्थकों ने उनके नाम का बोर्ड लगा दिया और मांग उठाई कि अब इस चौराहे को पद्मश्री शीशराम ओला के नाम से ही जाना जाए। शीशराम जी ओला के नाम से श्री किला है और पद्मश्री शीशराम जी नाम से ही रहेगा। अच्छा, तो कोई और भी योजना शीशराम जी के ओला के नाम से यहाँ कुछ करने का बता, एक बार सब हो जाएगी।
ये कभी कोतवाली तिरा ये नहीं था, यहाँ पे कोई सर्किल नहीं था, कोई सर्किल नहीं था यहाँ, और सारे यहाँ पे बाईपास भी, जैसे बहुरुखा जी उनके नाम पे भी पार्क बन गया है, बिंडा जी के भी नाम पे बन गया है, ओम प्रकाश जी उनके नाम भी चेयरमैन बन गया है, किसी के नाम से गेट बन गए हैं, किसी नाम से बावड़ी बन गए हैं, लेकिन जो ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े राजनेता थे, जैसे सीसराम जी हैं, बलराम जी खटखट साहब हैं, तो ऐसे लोग महान पुरुष थे, इनका कोई यहाँ पे सर्किल वर्किल नहीं था, तो हम सारे लोग पार्टी के लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, और किसान कौम ने, सारी ने, 36 कौम के लोगों ने मिलके निर्णय लिया कि इस ये जो जगह, इसका नाम पद्म श्री सीसराम जी ओला सर्किल रखा जाए। सर कहने का कोई ज्यादा मकसद वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे फतेहपुर में स्वर्गीय बहुरु खान जी के नाम पे भी पार्क बन गया था, बिंडा जी के नाम पे भी पार्क बन गया था, ओम प्रकाश जी जो पूर्व चेयरमैन है उनके नाम से भी पार्क बन गए थे, और कुछ लोग थे उनके नाम से गेट बावड़ियां बन गई थी। तो हमने ये सोचा कि हमारे भी जैसे महान पुरुष हैं, किसानों कौम की, सभी 36 कौमों की सोचने वाले, जैसे हमारे यहाँ के MLA पूर्व हुआ करते थे बालूराम जी खटकर जो ढांडन गांव के हैं, कॉमरेड तिलोक सिंह हुआ करते थे अलफ सर के, बहुत ही अच्छे किसान थे, हमारे पद्म श्री स्वर्गीय शीश राम जी ओला जी थे, वो भी 36 कौम को साथ लेकर चलते थे। तो हमने ये नगर पालिका को अवगत कराया कि भाई इन तीनों के नाम से तो अच्छा बनाए या नहीं बनाए, लेकिन इनमें से एक महान पुरुष के नाम पर आप सार्वजनिक पार्क हमारे नाम भी, हमारे महान पुरुषों के नाम पर भी आप बनाओ। हमने ये बार नगर पालिका में कही, अब पता नहीं उसने संज्ञान लिया या नहीं लिया, तो फिर सारे किसान लोगों ने और मिलके ये निर्णय लिया कि यहाँ पे जो तिराहे पे जो थाने के सामने सर्किल है उसका नाम स्वर्गीय पद्म श्री सीसराम जी ओड़ा के नाम से रखा जाए, और हमने शाम को आके वहाँ पे इस सर्किल के नाम से बोर्ड लगवा दिया। बोर्ड लगाने के 4 दिन बाद में पता नहीं यहाँ पे कौन सी राजनीतिक लोगों के दिमाग में आई, या कुछ लोग भी ऐसे थे जो एक जाति विशेष के नाम पे लोगों को लड़ाना भी चाहते थे, उनके मामले को लेकर जो 10-5 लोग अम्बेडकर विकास मंच के लोग वहाँ पे आए और वो बोर्ड लगा रहे थे, हमारे पास में सूचना आई कि आपने जिस जगह पे बोर्ड लगाया वहाँ पे बोर्ड अम्बेडकर के लग रहे हैं, तो हमने वहाँ पे गया जाके उनसे बात भी की, तो हमने कहा, उन्होंने कहा कि ये तो अम्बेडकर सर्किल के नाम से जाना जाता है, हमने कहा कि भाई आप कोई भी किसी भी तरीके का प्रूफ दिखा दो, हम यहाँ पे बोर्ड नहीं लगाएंगे, न तो आपका बोर्ड है, अम्बेडकर जी की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, हम भी उनको आदर्श मानते हैं। वैसे विवाद यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ चौराहे पर अम्बेडकर विचार मंच की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्किल का बोर्ड लगा दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर शीशराम ओला के समर्थकों ने चौराहे पर शीशराम ओला के नाम के साथ सर्किल लगा दिया। अब एक सर्किल पर दो नाम का विवाद पैदा हो गया, जहां बोर्ड लगने के 2 दिन बाद ही अम्बेडकर विचार मंच की ओर से पद्मश्री शीशराम ओला के बोर्ड का विरोध तो नहीं किया गया, लेकिन बाबा साहेब के नाम का बोर्ड उसी के पास लगा दिया गया, क्योंकि उनका कहना है कि 2014 में बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना से लेकर आज तक इस सर्किल को अम्बेडकर सर्किल के नाम से ही पहचाना जाता है, इसलिए इसे बाबा साहेब के नाम पर ही रखा जाए। आज तक जो भी लोग पुकारे हैं अम्बेडकर सर्किल के नाम से पुकारा जा रहा है, क्योंकि यह पहले से भी यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जो 2014 में उसका प्रस्तावित की गई थी, उसके बाद से लोग यहाँ अम्बेडकर सर्किल के नाम से पुकारा जा रहा है, जो कि थोड़े दिन पहले हमारे किसी सज्जन भाइयों के द्वारा सीसराम ओला सर्किल बोर्ड लगा दिया गया। तो ये है कि जिसके पास अथॉरिटी है वो बोर्ड रहेगा, और बाकी हमने तो हमारा काम कर दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लगा दिया गया। बताना चाहूँगा कि 2015 में जब यहाँ सदर थाना के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की जब मूर्ति लगाई गई थी, उसी समय से लेकर आज तक वर्तमान तक यह जो जगह है, ये जो तिराया है, ये बाबा साहब के सर्किल के नाम से जाना जा रहा है, और बोर्ड आप बता रहे हैं कि सीसराम जी के नाम से बोर्ड लगाया गया, हम कोई उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु ये 2015 से ही ये जगह बाबा साहब के सर्किल के नाम से प्रसिद्ध है, तो हमने आज जो बोर्ड लगाया है बाबा साहब का, और ये जगह जो है ये हमेशा इसी नाम से जानी जाएगी और आज तक जानी जा रही। हालांकि जागरूक मीडिया होने के नाते हमने पहले जानने की कोशिश की कि आखिर सर्किल को पहले क्या कहा जाता आ रहा है, तो हमने कुछ अखबारों की कटिंग भी मिली जिसमें से अम्बेडकर सर्किल बताया गया, लेकिन गुलाबी टाइम्स इसका कोई प्रमाणिक सबूत आपको नहीं दे सकता, ये सर्किल किसके नाम पर होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ये दोनों ही नाम हर किसी के लिए प्रेरणा है जिस पर राजनीति शायद नहीं होनी चाहिए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही
क्योंकि मामले पर दोनों ही बोर्ड विवादों में आने के बाद हटा दिए गए और अब वहां सिर्फ गाय आराम करती दिखी। वैसे गुलाबी टाइम्स ने जब ये जानने की कोशिश की कि आखिर बोर्ड किसके द्वारा हटाए गए तो कुछ कस्बे वासियों ने बताया कि नेशनल हाईवे की टीम ने बोर्ड हटाए हैं, लेकिन जब हमारी टीम ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि कोतवाली थाने में पता करो। जब हमने कोतवाली थाने से पता किया तो उनका ये कहना था कि हाईवे वालों से पता करो, जिसके चलते फिलहाल गुलाबी टाइम्स आपको ये नहीं बता सकता कि बोर्ड किसने हटाया। बस ये कह सकता है कि महापुरुषों का नाम सभी के लिए प्रेरणा है, जिस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। गोविंद जी आया देखा जाए तो दोनों ही मामलों में सवाल लोगों की सोच का है, क्योंकि अगर लोग मानवता को पहली अहमियत दें और आपसे विचार से बैठकर मिलजुल कर फैसला लें तो हो सकता है कि समाधान निकल जाए। अगर सोच में विरोध होगा तो समाधान दूर ही नजर आएगा। राजस्थान के फतेहपुर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।